आगरा मंडल में स्टाम्प कमी के मामलों को अब बड़ी सख्ती से निपटाया जाएगा। डीआईजी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आगरा मंडल आगरा राम अकबाल सिंह ने बताया कि स्टाम्प के कमी वाले बहनामों में 18% का इंटरेस्ट और जितनी स्टाफ की कमी होगी उससे 4 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल तहसील सदर के अंतर्गत एक ही भूखंड के 2 पार्ट में बहनामे की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। स्टाम्प बचाने के चक्कर में लोग जमीन को 2 पार्टों में रजिस्ट्री करा रहे हैं। इन मामलों को संज्ञान में आने पर डीआईजी स्टाम्प आगरा मंडल राम अकबाल सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। आगरा जनपद की तहसील सदर में फतेहाबाद रोड, सिकंदरा रोड, एमजी रोड और कमला नगर क्षेत्र में जहां पर जमीन की सर्किल रेट अत्यधिक होने के कारण कुछ लोग जमीन की रजिस्ट्री में स्टाम्प की कमी करते हुए 2 पार्टों में रजिस्ट्री करा रहे हैं। मेन रोड की सर्किल रेट कुछ और होती है और अंदर वाले पार्ट में स्टाम्प सर्किल रेट से अलग लगता है। रजिस्ट्री में स्टाम्प के पैसों को बचाने के चक्कर में लोग स्टाम्प कमी कर रहे हैं। अब इस मामले में डीआईजी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आगरा मंडल आगरा राम अकबाल सिंह ने कहा, जांच के उपरांत ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी। बैनामा कराते समय पक्षकारों की जिम्मेदारी होती है कि जो भी तथ्य स्टाम्प जिन तथ्यों से स्टाम्प प्रभावित होता है वो सारे तत्व उसमें लिखे जाएं, जैसे कि निर्माण है, पेड़ हैं, सड़क से दूरी है, आबादी से दूरी है, जितनी चीज़ें हैं उसका उल्लेख बैनामे में करना चाहिए और उसके हिसाब से जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से स्टाम्प शुल्क अदा करना चाहिए। ये कभी कभी ये प्रकरण संज्ञान में आए कि जहाँ पे लोग रोड की ज़मीन है उसमें 2 पार्टों में करा लेते हैं, एक छोटा पार्ट रोड का आगे करा लेते हैं अपने नाम, पीछे का पत्नी के नाम या बच्चों के नाम करा लेते हैं। तो ऐसे प्रकरण में जब हम लोग जांच करते हैं तो उस पर स्टाम्प कमी जो है उस पर आरोपित की जाती है और ऐसे प्रकरणों में कमी स्टाम्प शुल्क के 1 गुने से 4 गुने तक दंड आरोपित किया जाता है, साथ में 18% एनुअल इंटरेस्ट भी कमी स्टाम्प की धनराशि पर देय होता है। हाँ, अगर निर्माण कोई भी संपत्ति जिस पर कोई निर्माण है या पेड़ है या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को दर्शाना चाहिए। अगर वो निर्माण को छिपाते हैं तो उस पर जो है उनके ऊपर दंड आरोपित किया जाएगा और कमी स्थान के 4 गुने तक दंड उसे लिया। दरअसल तहसील सदर के 5 निबंध ऑफिसों में प्रतिदिन होने वाले बहनामे में कुछ ऐसे मामले भी मिले हैं जिनमें स्टाम्प की कमी पाई गई है। लोग बहनामा कराते समय सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प लगाते हैं, लेकिन कुछ स्टाम्प बचाने के चक्कर में महंगे प्लॉटों की रजिस्ट्री 2 पार्ट में करा रहे हैं, जिसमें फ्रंट वाले हिस्से में स्टाम्प कुछ और लगता है, पीछे वाले हिस्से में सर्किल रेट चेंज हो जाती है। ओवैसी मामलों पर डीआईजी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राम इकबाल सिंह ने जांच के उपरांत कार्रवाई करने की बात कही है। इसमें स्टाम्प कमी पाई जाती है तो 18% इंटरेस्ट के साथ जितनी स्टाम्प कमी होगी उसका 4 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। स्टाम्प कमी के वादों को उनके द्वारा सुना भी जा रहा है। तहसील सदर रजिस्ट्री ऑफिस के सूत्रों की माने तो अधिकतर बहनामों में लोग स्टाम्प बचाने के चक्कर में बने हुए मकान की रजिस्ट्री प्लॉटों में करा देती है। रजिस्ट्री में खाली प्लॉट का फोटो लगा दिया जाता है, लेकिन मौके पर बना हुआ मकान होता है। रजिस्ट्री कराते समय बने हुए निर्माण में सर्किल रेट कुछ और लगती है और खाली प्लॉट में सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प कम लगता है। ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं। अब उन पर डीआईजी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन राम अकबाल सिंह द्वारा नोटिस प्रेषित किए गए हैं, जिससे रजिस्ट्री कराने और सर्किल रेट से स्टाम्प नहीं लगाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम लोग सिफारिश भी लगा रहे हैं क्योंकि स्टाम्प कमी के बाद इसमें 18% इंटरेस्ट और स्टाम्प की कमी हुई है उससे 4 गुना जुर्माना लगाया जाता है। आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।